हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस टेक न्यूज के एपिसोड नंबर 19 में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। तो दोस्तों, आज का पहला अपडेट है वो आता है आसूस की तरफ से, और आसूस का जो जेनफोन 5Z करके स्मार्टफोन है वो इंडिया में फाइनली लॉन्च हो गया है, और इसकी प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव रखी है आसूस ने। इसका जो 6GB और 64GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस करीब करीब 30,000 रुपीज़ रखी है, जो कि इस डिवाइस को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बना देता है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 845 का सपोर्ट मिलता है, 6.2 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है आपको, और साथ ही साथ आपको 12+8 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सपोर्ट और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो भी आता है आसूस की तरफ से, और आसूस का जो जेनफोन मैक्स प्रो M1 है उसका एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, और वो फ्लिपकार्ट के ऊपर आने वाला है बहुत ही जल्दी। ये जो नया वेरिएंट है उसके अंदर आपको 4GB के बदले 6GB की रैम मिलेगी। जो रियर कैमरा था पुराने वाले M1 प्रो में वो 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का था, इसके अंदर आपको 16 और 8 मेगापिक्सल मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल था लेकिन इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है सैमसंग के गैलेक्सी नोट 9 को लेके, और जो US की FCC करके एजेंसी है उन्होंने कंफर्म किया है कि जो नोट 9 का S Pen आता है उसके अंदर आपको अभी ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने मिलेगा। पता नहीं ये ब्लूटूथ का सपोर्ट क्यों आ रहा है S Pen के अंदर, मेरे हिसाब से तो ये फोटोज क्लिक करने के काम आ सकता है। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi के Mi Mix 3 को लेके, और इसके अंदर आपको Vivo के Nex के अंदर जो फ्रंट कैमरा था जो पॉपअप के वे फॉर्म में आता था वैसा कैमरा आपको देखने को मिल सकता है, और इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है कि ये सितंबर में लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं कि ये Mi Mix 3 क्या कमाल करता है। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है OnePlus को लेके, और OnePlus का जो OnePlus 5 और OnePlus 5T है उसके अंदर एक नया ऑक्सीजन का अपडेट आने वाला है। OnePlus 5 के लिए ऑक्सीजन का बीटा 13 और OnePlus 5T के लिए ऑक्सीजन का बीटा 11 करके अपडेट आने वाला है, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट ट्रेबल का भी सपोर्ट मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है बिट्स आइकन पैक नाम के एप्लीकेशन को लेके। ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल आइकन्स देखने को मिलते हैं, और ये इसकी प्राइस पहले प्ले स्टोर के ऊपर 65 रुपीज़ थी, लेकिन अगर आप अभी प्ले स्टोर पर जाके इसको इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ करना है इन बहुत ही सारे कस्टमाइजेबल आइकन के साथ में, तो जाइए प्ले स्टोर पर और बिट्स आइकन पैक को फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है सैमसंग के गैलेक्सी टैब S4 को लेके, और इसकी एक फ़ोटो लीक हुई है ऑनलाइन, और फोटो में ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर आपको कोई होम बटन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको काफ़ी पतले बेजल और पूरा बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है ये सैमसंग का टैब S4 दोस्तों। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और इन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सी विजिल। अगर आपको कोई भी वायलेशन नज़र आता है वोटिंग प्रोसेस के अंदर तो आप इस ऐप को यूज़ करके कोई भी फोटो या फिर 5 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन लाया है इलेक्शन कमीशन ने ताकि हम सब एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर सकें। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है नोकिया के 7+ को लेके, और जो नोकिया 7+ के अंदर ड्यूअल वोल्टी का सपोर्ट आया था उसके अंदर कुछ बग्स थे, तो नोकिया ने इस बग को फिक्स कर दिया है एक साइड सर्वर अपडेट के जरिए। तो अगर आपके पास नोकिया 7+ डिवाइस है और आपको ड्यूअल वोल्टी सपोर्ट में कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं तो ज़रूर से इस अपडेट को इंस्टॉल कीजिए और आपके जो ड्यूअल वोल्टी के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है एसेंशियल फ़ोन को लेके, और एसेंशियल फ़ोन एक पहला ऐसा नॉन पिक्सल डिवाइस बनता है जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड पी का बीटा वर्जन 3 का अपडेट देखने को मिलेगा। कल के टेक न्यूज़ में मैंने बताया था कि एंड्रॉयड पी बीटा 3 के जो अपडेट के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अगर आपको जानना है कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं इस नए बीटा 3 वर्जन के अपडेट में तो कल की टेक न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगला अपडेट है वो आता है ऑनर को लेके, और ऑनर का जो 10GT स्मार्टफोन है वो एक पहला ऐसा स्मार्टफोन बनता है जिसके अंदर आपको 8GB की रैम और GPU टर्बो मोड देखने को मिलेगा दोस्तों, और जो GPU टर्बो मोड है उसके अंदर आपका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस और हाई स्पीड के ऊपर काम करेगा।
तो आप अगर इंटेंसिव गेमिंग या फिर कोई भी इंटेंसिव टास्क कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथली चलेगा। ये जो Honor का 10GT स्मार्टफोन है वो July 24th को लॉन्च हो सकता है चाइना के अंदर। तो दोस्तों जो आज का आखिरी अपडेट है वो आता है JioFi के राउटर को लेके, और जो JioFi का राउटर है वो पहले तो मिलता था 999 rupees के अंदर Amazon के ऊपर, लेकिन अब एक नया ऑफर ऐड किया है Jio ने जिसके अंडर आपको ये डिवाइस सिर्फ 499 rupees के अंदर मिल सकता है दोस्तों। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है जो आपको सुननी चाहिए। ये डिवाइस उन्हीं लोगों को 499 rupees में मिलेगा जो एक पोस्टपेड कनेक्शन को यूज करेंगे। तो दोस्तों इस डिवाइस को 500 rupees में खरीदने के लिए यूजर्स को कोई भी पोस्टपेड प्लान को ऑप्ट करना पड़ेगा। मिनिमम 200 rupees वाला पोस्टपेड प्लान भी आप ले सकते हैं, और एडवांस में पहले 12 मंथ्स का पेमेंट आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप ये सब करते हैं तो आप 500 rupees में JioFi राउटर को खरीद सकते हैं, नहीं तो ये डिवाइस आपको Amazon के ऊपर 999 rupees में मिल ही रहा है। तो दोस्तों बस आज के लिए यही थे सारे टेक अपडेट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक कीजिएगा, और आपको रोजाना ऐसे टेक न्यूज देखने हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए जैसे ही हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए KS TV।